हेलो एवरीवन, अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं इस अर्थ के दो नेचुरल रिसोर्सेज को जो कि इस बायोस्फीयर का एबायोटिक कंपोनेंट भी है, दैट इज एयर एंड वाटर को पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दिस अर्थ एंड थर्ड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ दिस बायोस्फीयर, दैट इज सॉइल। इस अर्थ के अपर मोस्ट लेयर को अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट का वो पोर्शन जहां पे प्लांट्स ग्रो करता है सॉइल कहलाता है। ये अर्थ क्रस्ट मिनरल्स से भरपूर होता है और ये मिनरल्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। ये मिनरल्स ह्यूज रॉक्स में बाउंडेड रहते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थरों के अंदर होते हैं। मिनरल्स अगर पत्थर के अंदर रहेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेगा। इसीलिए इन पत्थरों का टूट करके सॉइल पार्टिकल्स बनना बहुत जरूरी है। ये रॉक्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से टूटते हैं। किसमें टूटते हैं? तो मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स पे टूट जाते हैं। रॉक्स का टूटना वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहलाता है। इस वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से ही सॉइल बनता है। सो रॉक्स के अंदर मिनरल्स होता है और इसी रॉक से ही सॉइल बनता है। दैट मींस सॉइल के अंदर बहुत सारा मिनरल्स होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। इसीलिए हेडिंग है मिनरल रिचेस इन द सॉइल। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को समझते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग और वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं। कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए, जैसे सन, वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब कोई भी चीज गर्म होता है तो वो फैलता है, एक्सपांड होता है, और ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। यही फेनोमेनन पत्थर के साथ भी होता है। दिन के समय सूरज की गर्मी में ये बड़ा बड़ा पत्थर गर्म हो जाता है और एक्सपांड होता है। रात के समय जब ठंडा हो जाता है ये पत्थर तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन पत्थर का हर एक पार्ट एक जैसा एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से पत्थर में ये क्रैक्स बन जाता है। अल्टीमेटली ये क्रैक बढ़ता जाता है और बड़ा पत्थर छोटा छोटा पत्थर में टूट जाता है। सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स का पहला फैक्टर है सन, जो कि एक फिजिकल फैक्टर है। दिन में पत्थर एक्सपांड करता है, रात के समय कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस एक जैसा नहीं होता हर जगह। साथ ही साथ ये रिपीटेड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पत्थरों में क्रैक्स बन जाता है। पत्थरों में ये क्रैक्स बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली ये जो बड़ा पत्थर है वो छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाता है। सेकेंड फैक्टर है वॉटर, जो दो तरह से वेदरिंग में हेल्प करता है। पहला तरीका, सन की वजह से जो क्रैक बन जाता है बड़े पत्थरों में, उसके अंदर वाटर घुस जाता है बारिश के मौसम में। ठंड की वजह से ये पानी बर्फ बन जाता है, और हम जानते हैं कि पानी से ज्यादा जगह बर्फ लेता है। दैट मीन्स बर्फ की वजह से ये क्रैक्स बड़ा हो जाता है और अल्टीमेटली बड़ा पत्थर छोटे पत्थरों में बदल जाता है। दूसरा तरीका, फास्ट फ्लोइंग वाटर जैसे कि रिवर अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों और छोटे छोटे पत्थरों को भी बहाकर ले जाता है। जब पानी के साथ ये पत्थर भी बहता है तो वो एक दूसरे के साथ रब होते हैं, घिसते हैं, जिसकी वजह से बड़े पत्थर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते जाते हैं। ये पार्टिकल्स बहता जाता है
और नदी के रास्ते में डिपॉजिट होता जाता है। इस तरीके में सॉइल पार्टिकल्स पेरेंट रॉक से बहुत दूर बनता है। नाउ थर्ड फैक्टर इज विंड। स्ट्रॉन्ग विंड वैसे ही काम करता है जिस तरह से फास्ट फ्लोइंग वाटर काम करता है। वाटर अपने साथ रॉक्स को बहा कर ले जाता है एंड विंड अपने साथ रॉक्स को उड़ा कर ले जाता है। जब बहुत सारा छोटा छोटा रॉक्स एक साथ में उड़ता है तो आपस में घर्षण होता है, जिसकी वजह से वो और छोटा छोटा पार्टिकल्स में टूट जाता है और सॉइल पार्टिकल्स बनाता है। सो स्ट्रॉन्ग विंड इरोड रॉक्स डाउन इन द सिमिलर वे लाइक वॉटर डज। नाउ द लास्ट फैक्टर इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। रॉक सरफेस के ऊपर लाइकन ग्रो कर जाता है। लाइकन एक तरह का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो रॉक सरफेस को पाउडर में बदल देता है। ऐसे सरफेस पे जब एक तरह का प्लांट मॉस ग्रो करता है तो वो रॉक्स को फर्दर तोड़ने का काम करता है। कभी कभी बिग ट्रीज का रूट्स भी क्रैक्स के अंदर चला जाता है। ये रूट फर्दर पेनिट्रेट होता है जिसकी वजह से क्रैक बढ़ता जाता है और रॉक्स अल्टीमेटली टूट जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से जो वेदरिंग होता है उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे वेदरिंग ऑफ रॉक से सॉइल कैसे फॉर्म होता है। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में सॉइल को ही कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।